हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज है सोमवार और आज है पूर्णिमा। तो गाइज, आज मेरा फाइनली पशुपति भोलेनाथ बाबा का व्रत पूरा हो चुका है और मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। मंदिर में भी कर लिए, यहाँ भी कर लिए, जो मैंने थाली सजाई थी, और शाम को जाना। तो आज पूर्णिमा है और जो भी सावन करते हैं, अब पूर्णिमा के बाद से सावन स्टार्ट हो जाएगा, सावन मास लग जाएगा। और जो कोई भी श्रावण के सोमवार करते हैं और सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। तो गैस, आज बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं अपने लिए चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा आज आप सबसे बात की जाए। तो बच्चों के लिए क्या बनाया जाए, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए सेम टमाटर की सब्जी, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, और मेरे अभिषेक को तो बहुत ही ज्यादा पसंद है गाइस, बहुत ज्यादा। तो सेव, कुछ लोग सेव टमाटर की सब्जी जानते होंगे, राजस्थान में बहुत खाते हैं और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि सेम कहते हैं बारीक वाली नमकीन को और टमाटर, उसको दोनों को मिक्स करके और सब्जी बनाई जाती है। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैं सेम टमाटर की सब्जी बनाती हूँ, तो बने रहें ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ गैस चालू कर लिया मैंने, एक तरफ बनेगी सब्जी सेव टमाटर की और एक दूसरी तरफ मैं चाय बना रही, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। गाइस, क्योंकि मेरी मम्मी, मेरे पापा जॉब करते थे राजस्थान में, मेरे भैया भाभी और मम्मा सब राजस्थान चित्तौड़ में रहते हैं, चित्तौड़गढ़। तो जब मेरा बचपन वहीं बड़ा हुआ, तो हमें भी वहां चाय सेम की सब्जी, नमकीन की सब्जी बहुत पसंद है, सब लोग खाते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा आप सबसे शेयर की जाए। तो मैं सबसे पहले मिर्च काट लूंगी बारीक बारीक, पहले अदरक डाल देते हैं चाय में, उसके बाद में सब्जी की तैयारी करूंगी। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, गाइस ये पत्थर बहुत दूर का है, ये पत्थर यात्रा पे गए थे, केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं, तो मेरी मम्मी भी जाते हैं, तो वहां से ये पत्थर लेके आए थे, तो उन्होंने मुझे दिया था, कहा था हमेशा किचन में रखना, तो मैं इसे हमेशा किचन में रखती हूँ। तो गाइस, यहाँ कढ़ाई गर्म हो चुकी है और चाय भी रख दी है मैंने, और हम डाल लेते हैं कढ़ाई में तेल। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, क्योंकि बच्चे सिर्फ सब्जी बनेगी बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा फास्ट है और मेरे हस्बैंड वो अपना लंच वहीं करेंगे कैंटीन में, तो सिर्फ बच्चों के लिए सब्जी बनेगी। फिर उसके बाद में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, तेल गर्म हो चुका, और जल्दी जल्दी मिर्चियों को मैं कट कर लेती हूँ। ज्यादा मिर्ची नहीं काटूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को मिर्च कम पसंद है, तो एक मिर्ची छोड़ देते हैं, बस इतनी ही मिर्ची डालते हैं, क्या वो निकाल देती हूँ।
प्याज उन लोगों को सब्जी में पसंद नहीं है, पर जो लोग प्याज खाते हैं वो प्याज डाल सकते हैं। प्याज हम भी खाते हैं, पर मेरे बच्चों को प्याज बहुत कम पसंद है, वो निकाल देते हैं सब्जी में से, उनके मुंह में आती है। तो यानी फिर किसी भी रहती तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ले लेते हैं एक टमाटर, मैंने टमाटर कट कर लिया, लहसुन भी डाल सकते हैं, जो कोई लहसुन खाता है वो लहसुन भी डाल सकता है, हम भी खाते हैं। तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो उनके हिसाब से बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो गाइस तेल गरम हो गया और जीरा भी जल चुका है, और एक प्लेट में मैं ले लूंगी बारीक सेम, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं सेव की सब्जी, तो मैंने ले ली है सेव। यहाँ तो गाइस देख सकते हैं यहाँ सब रेडी हो गया है, तेल गरम हो चुका है, चाय बन रही है, और यहाँ ये सेम की सब्जी, सेम बनेगी बारीक नमकीन, टमाटर कटे हुए और हरी मिर्च, वो सब इतना इतना सा इसलिए क्योंकि गाइस हमारा फास्ट है और मैंने बच्चों के हिसाब से बनाया। और अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो सब कुछ अच्छा ज्यादा ज्यादा डाल सकते हैं, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ज्यादा मिर्च हो गई, तो इसलिए मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, तो उनके लिए इसलिए मैंने कम कम डाला है। तो फिर हम सबसे डालेंगे हर सब्जी में थोड़ा स्वाद के अनुसार मसाला ऐड करेंगे। हल्का सा धनिया, हल्का सा नमक, हल्का सा धनिया, हल्का सा नमक, हल्की सी हल्दी, हल्की सी मिर्ची डाल देते हैं, सब्जी में मैंने स्वाद के अनुसार, जैसे आप लोग अपने स्वाद के अनुसार सब सब्जी में मसाला डालते हैं, वैसे ही अपने स्वाद के अनुसार आप सब्जी में भी मसाला डाल सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे, मसाले को भून लेंगे, यहाँ चाय भी रेडी होगी मेरा। तो इस मसाले को पकने देंगे, तो गाइस मसाला पक रहा है, मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसलिए डाला है क्योंकि बच्चों के हिसाब से बना दूं, अदरवाइज इस सब्जी में और भी मसाला ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सब्जी टेस्टी बनती है, लाजवाब बनती है। तो गाइस कौन कौन सावन के सोमवार करता है मुझे जरूर कमेंट में बताना, और अब नेक्स्ट सोमवार श्रावण का होगा, तो ये देख सकते हैं सब्जी का मसाला बन गया।
सारा सामान हटा देंगे रसोई में से। सब्जी में पानी डाल ऐड करने के लिए हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे। आज मेरी चाय बनके रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा सा देख सकते हैं किस तरह से टमाटर पूरे भून गए। मसाला पूरा पक चुका है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमकीन सेम। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि ये थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। देख सकते हैं गाइस, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं सब्जी फाइनली कितनी स्वादिष्ट लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है सेव की नमकीन की सब्जी, सेव टमाटर की सब्जी। और यहाँ मेरी चाय भी बन चुकी है, खुल खुल के कम होती जा रही है। तो गैस देखने में भी सब्जी गैस देख सकते हैं सब्जी कितनी लाजवाब लग रही है। एक बार आप भी ट्राई करके देखिए, सेव और टमाटर की सब्जी बहुत ही प्यारी लगती है। अभी थोड़ी देर में बन के रेडी हो जाएगी और मैं चाय छान लेती हूँ। तो गैस मेरी सेम टमाटर की सब्जी रेडी हो रही है। तो गैस आप भी जरूर ट्राई करना अपने घर में सेव टमाटर की सब्जी, बहुत ही अच्छी लगती है गैस। और जो राजस्थान के लोग हैं उन्हें तो बहुत बहुत पता है अच्छे से, क्योंकि वो लोग बहुत खाते हैं। और मतलब हमारे यूपी इस तरफ दिल्ली NCR में बहुत मतलब कम जानते हैं, जो वहाँ के लोग होंगे वो जानते होंगे। पर आप एक बार जरूर ट्राई करें, ये सब्जी बहुत ही प्यारी सब्जी है और खाने में बहुत टेस्टी है, और हमें भी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो गाइज ब्लॉग में इतना ही, और फिर मिलेंगे गाइज। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना, और गाइस ये सब्जी जरूर ट्राई करना। तो बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।